हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। जैसे कि आप सबको पता है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के एग्ज़ाम चल रहे थे, प्रिलिमिनरी का। ये 4 से 5 दिन चले हैं, तो आज ये लास्ट एग्ज़ाम की लास्ट शिफ्ट थी, मेरी लास्ट शिफ्ट थी। तो आज मैं आपसे बात करूँगा कि इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है, पेपर किस तरह से था, क्या लेवल था पेपर का, और कितना एक्सपेक्टेड कर सकते हैं हम इसका कि कितना कट ऑफ। सबसे पहले बात करते हैं, 3 सेक्शन थी, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश। सेम मैं आपको बताते रहता हूँ क्या था इसका पैटर्न और क्या किस तरह से था। 30-35 मार्क्स का आपका क्वांट था, 35 मार्क्स की आपकी रीजनिंग और 30 मार्क्स की आपकी इंग्लिश थी, जिसमें यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ अपना अटैम्प्ट, और यहाँ पे मैं बताऊँगा कि गुड अटैम्प्ट क्या था अगर आप इतना करके आए हैं तो, और मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है इस एग्ज़ाम का। सबसे पहले बात करते हैं, इंग्लिश सेक्शन काफ़ी इजी थी। आप लोगों ने अगर बैंक के एग्ज़ाम दिए होंगे क्लरिकल लेवल के, सेम उसी तरह से था। क्लोज टेस्ट था 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स 7 मार्क्स का आपका कम्प्रिहेंशन पैसेज था, दोनों स्टोरी बेस्ड थे। तो अटेम्प्ट मैंने 30 किए हैं इसमें, और इसमें सेफ अटेम्प्ट अगर आप 25 प्लस करके आने हैं, जो कि मैक्सिमम लोग करके आए हैं, तो काफ़ी अच्छा अटेम्प्ट था। इंग्लिश सेक्शन में ईजी थी, इतना टफ नहीं था। एरर डिटेक्शन, फिलर जो थे, डबल फिलर, सिंगल फिलर्स थे, काफ़ी इजी था। जो एंटोनियम्स एनोनियम थे, सिमिलर वर्ड, वो सब इजी था। बात करते हैं रीजनिंग सेक्शन की। रीजनिंग सेक्शन की अगर हम बात करें, तो रीजनिंग सेक्शन हमारी मॉडरेट भी नहीं कह सकते हम इसको, मतलब इजी थी। एक पजल इसमें थी जो आप लोगों ने अगर दिया होगा लास्ट शिफ्ट में, जिसमें अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन थे एक रो में बैठे हुए, तो उसको सॉल्व करने में मुझे काफ़ी टाइम लगा। मैंने 5 से 6 मिनट उसमें वेस्ट किए और वो मेरी पज़ल नहीं बनी। उसके बाद भी मैं रीजनिंग में अटैम्प्ट 30 करके आया हूँ। इसमें अटैम्प्ट और हो सकते थे वो 5 पज़ल, इतनी टफ नहीं थी, लेकिन ट्रिकी थी। अगर आप लोग नए पेपर दे, पहली बार जैसे बैंक के एग्ज़ाम के बाद ये पेपर दे रहे हैं, अगर आप काफ़ी एक्सपीरियंस है तो आप कर सकेंगे। इस सेक्शन में मैं आपको बताता हूँ कि 20 से 25 अगर आप अटैम्प्ट करके आ रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा अटैम्प्ट आपका माना जाएगा। बात करते हैं क्वांट सेक्शन की। क्वांट सेक्शन जो मेरी शिफ्ट में आया था, उसमें अप्रोक्सीमेशन जो सिंप्लीफिकेशन थी, वो बैंकिंग लेवल की नहीं थी। बैंकिंग लेवल क्लरिकल लेवल से थोड़ी सी ऊपर थी, क्योंकि उसमें सोचना पड़ रहा था। बिल्कुल ऐसा नहीं था कि जो बेसिक आती है एग्ज़ाम में क्लरिकल लेवल में 10 से 15 क्वेश्चन, वैसी नहीं थी, थोड़ा अच्छा लेवल था उनका। उसके साथ साथ DIB ठीक थी, इतनी ईजी नहीं थी। क्वांट को मैं मॉडरेट कहूँगा, ईजी नहीं था क्वांट। रॉन्ग नंबर सीरीज पूछी गई थी, और उसका लॉजिक मैंने जो थे, जो लॉजिक उसमें थे, वो मैंने अभी तक IBPS PO जैसे एग्जाम्स में देखे हैं। तो क्वांट को मैं किसी भी तरह से ईजी नहीं कहूँगा। क्वांट जो सेक्शन थी लास्ट शिफ्ट, बाकी शिफ्ट के मैंने पता की है, बाकी शिफ्ट में भी क्वांट था, ठीक था, लेकिन कंपैरेटिवली मुझे लास्ट शिफ्ट का थोड़ा सा टफ लगा। क्वांट में अगर कोई अटेम्प्ट अपने करके आ रहा है 20 तक भी, मैंने 25 किए हैं, अगर आप इसमें 20 अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, तो वो काफ़ी अच्छा अटेम्प्ट आपका माना जाएगा। टोटल अगर मैं ओवरऑल बात करूं, 25, 25, 50 और 20, 70 प्लस सेफ अटेम्प्ट है। मैंने 85 किए हैं, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स 90 प्लस करके आए हैं। तो अब बात करूंगा मैं टोटल की कट ऑफ क्या जा सकता है इस एग्ज़ाम का। कट ऑफ की बात करें, देखें वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा हैं, उसका इंटू 10 की रेशो में अभी लोग होंगे, 10 अभी इसमें आगे जाके जो सिलेक्शन होंगी या जिस भी तरह से चलेगा। ये आपको एक चीज़ बता दूं कि कट ऑफ इसका 70 से 72 के बीच में रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। पेपर इतना इजी भी नहीं था, वैकेंसीज काफ़ी हैं, तो कट ऑफ 72-72 के बीच में लाई करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये प्लस माइनस 3 हो सकता है, 75 तक जा सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो जिन लोगों के 75 तक एक्सपेक्टेड है मार्क्स की आ जाएंगे, वो लोग मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दें, और जिन लोगों को लग रहा है कि उनकी लास्ट शिफ्ट की वजह से अगर उनके अटेम्प्ट कम हुए हैं, तो आपको बता दूं नॉर्मलाइजेशन होती है। अगर आपको भी लग रहा है मेरी तरह कि शिफ्ट थोड़ी सी टफ थी, तो आपको नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स मिलेंगे। एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, IBPS क्लर्क 2017 में प्री में मेरे शिफ्ट काफ़ी इजी थी, मैंने 86 अटेम्प्ट किए थे इसमें, और मेरी एक फ्रेंड की शिफ्ट लास्ट शिफ्ट थी, उसने 80 अटेम्प्ट किए थे। जब स्कोर कार्ड आया तो मेरे मार्क्स 84 थे और उसके मार्क्स 87 थे। तो यहाँ से आपको क्लियर हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन से मार्क्स काफ़ी ज़्यादा भी बढ़ते हैं अगर आपकी एक्यूरेसी होगी।
तो जिनके मार्क्स बन रहे हैं वो तैयारी शुरू कर दें, जिनको लग रहा है कि उनकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है वो भी तैयारी स्टार्ट कर दें। SBI PO आने वाला है उसके लिए, तो इतना ही रखते हैं आज के लिए। एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने आपको बता दिया 70 से 72 के बीच बीच में जाएगा, प्लस माइनस 3 हो सकता है, 75 तक, इससे ज़्यादा ये नहीं जाएगा। तो ओके गाइस।